हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 12 पॉलीमर। जो पॉलीमर यहाँ वीडियो लेक्चर नंबर कितना होगा 24। अभी तक हमने पॉलीमर के 23 वीडियो लेक्चर नंबर डिस्कस 23 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियो इसका। यहाँ पर वीडियो नंबर लेक्चर कितना होगा 24 होगा। यहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक केमिस्ट्री, जो काफ़ी ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट होगा। इस साल देखिए एरोमेटिक केमिस्ट्री में क्यूमीन से क्वेश्चन आए थे, तो चलिए क्यूमीन के बारे में फिर पढ़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आएगा एरोमेटिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक केमिस्ट्री हम या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे, जो अच्छा आपके लिए होगा, चाहे एरोमेटिक केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दोनों साथ लेके चलेंगे या दोनों में से दोनों चैप्टर हम आपको डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पर पॉलीमर होगा। पॉलीमर में हम क्लासिफिकेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम क्लासिफिकेशन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम क्लासिफिकेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासिफिकेशन नंबर 1 का हम लिंक दे देंगे। तो चलिए क्लासिफिकेशन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ 2 जो हम इस पे बेस होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कितने टाइप होगा, 4 टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर 4 टाइप होंगे। इसके बिहाव पे इनको हम बांटते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन पॉलीमर, हमें जैसे मान लिए हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर के बीच में कौन सा, जैसे आपस में दोनों आपस में देखिए एड है, एक फोर्स को चिपक रहे हैं, तो मतलब क्या होगा अट्रैक्शन, जैसे बॉय और गर्लफ्रेंड, बॉय और गर्ल के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे यहाँ पर भी पॉलीमर के बीच में भी क्या होगा, जब दो मोनोमर आपस में ऐड होते हैं उनके बीच में कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, तो चलिए इसी फोर्स के बिहाव पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इन पॉलीमर के आधार पर 4 टाइप बांटा गया है। फर्स्ट नंबर क्या है, इलास्टोमर है। फर्स्ट नंबर हमने क्या यहाँ पर लिख रखे हैं, इलास्टोमर। सेकंड हमारा क्या होगा, फाइबर होगा। थर्ड थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोसेटिन। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थर्मो इलास्टोमर। देखिए जो इलास्टोमर होते हैं ये क्या होते हैं, रबड़ होते हैं। क्या लिखा है, दीज आर रबड़। कैसे होते हैं ये, क्या होते हैं, रबड़ होते हैं। जैसे जो रबड़ बहुत सारा आपने देखा होगा, क्या होते हैं इलास्टोमर, क्या होते हैं, दीज आर रबड़ होते हैं। लाइक सॉलिड नेचर होते हैं, क्योंकि रबड़ बैंड सॉलिड नेचर भी होता है और खींच भी जाता है। जैसे रबड़ बैंड जो लड़कियां लगाती हैं, तो मतलब देखिए सॉलिड भी होता है और खींच भी जाता है। तो देखिए सॉलिड भी होता है और इलास्टिक नेचर भी होता है, और स्ट्रेच मतलब मजबूती भी होता है, उसके अंदर सहन शक्ति भी होता है खींच जाने के लिए, स्ट्रेच नेचर भी दर्शाता है। और इसमें आपकी एग्जाम में एक बार CBSE में पूछा गया था एक पॉइंट यहाँ से, जो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, क्या लिखा है, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, अभी हम बताएंगे कैसे CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। आप मॉडल उठा के सॉल्व करेंगे, देखिए इलास्टोमर से 2010 में यहाँ से इलास्टोमर से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए इलास्टोमर हो चाहे जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अभी हम बताएंगे कैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इलास्टोमर में कैसा फोर्स होगा, बिगेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कैसा फोर्स होगा, बिगेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इलास्टोमर में बार बार कह रहा हूँ, इलास्टोमर में आपको फोर्स रख लीजिए, फोर्स यही पूछा गया था आपके एग्जाम में, बिगेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बना था आपके एग्जाम में, जो CBSE के 2010 में इलास्टोमर से क्वेश्चन आया था कैसे है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बने, इन इलास्टोमर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो आपको वहां पर आंसर लिखा था वीक, स्ट्रांग या इंटरमीडिएट, आपका आंसर क्या था, वीक। आपका आंसर क्या था, वीक, यही ऑप्शन आपको बना दिया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इन इलास्टोमर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर फाउंड, तो आपका चार ऑप्शन बना था, एक वीक बना था, एक स्ट्रांग, एक और दो बना दिया गया था, आपका आंसर इसमें क्या था, वीक वाला था। और इलास्टोमर में कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट
डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इलास्टोमर के अंदर कौन कौन पॉलीमर आते हैं। आपका आंसर क्या होगा, ब्यूनायस और ब्यूनायन। ब्यूनायस ब्यूनायन दोनों का स्ट्रक्चर भी बना दिया जा सकता है या डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाएगा, क्योंकि हमने ब्यूनायस ब्यूनायन ऑलरेडी इसके वीडियो एक एक करके हमने पढ़े हैं। तो ब्यूनायस हमने पढ़ा रखा है, ब्यूनायस एन भी हमने पढ़ा रखा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है आप जाके हमारे वीडियो में पढ़िए। तो देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नियोप्रीन, ये भी हमने एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं। नियोप्रीन या तो इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। आइसोप्रीन रबर, आइसोप्रीन रबर का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, आइसोप्रीन का डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाएगा। तो आइसोप्रीन और नियोप्रीन ब्यूनायस ब्यूनायन हमने एक एक करके एक एक वीडियो लेक्चर डिस्कस कर दिया है। आप जाके हमारे प्रत्येक वीडियो लेक्चर को पढ़िए कि देखिए ब्यूनायस किस में है, ब्यूनायन क्या है। हमने बाहर फोटो में भी लगा रखा है ब्यूनायस, जो वीडियो हमने बनाया है ब्यूनायन का भी बनाया है, आइसोप्रीन न्यूप्रीन। बहुत चलिए इलास्टोमर का अगेन एग्जाम्पल हम आपको रिपीट करवाते हैं, ब्यूनायस ब्यूनायन न्यूप्रीन आइसोप्रीन रबर। अब हम नंबर टू में डिस्कस करेंगे फाइबर। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, सेकंड में हम आपको फाइबर बताएंगे। फाइबर वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे नंबर टू, फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, इलास्टोमर। सेकंड में डिस्कस करेंगे हम क्या, फाइबर। थर्ड में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। फोर्थ थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और फाइबर भी इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, हम कोई इम्पॉर्टेंट बात कर ही नहीं सकते, सारे एग्जाम्पल इसके इम्पॉर्टेंट हैं। फाइबर में क्या होगा आपसे, फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रांगेस्ट इंटर मालिकुलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या लिखा है, अट्रैक्शन फोर्स। AF क्या लिखा है, अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रांगेस्ट इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इन फाइबर इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किस तरह होगा, तो आपका आंसर होगा स्ट्रांगेस्ट। देखिए आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट। इसलिए फाइबर में क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, पूछेगा कि कौन सा ऐसा फाइबर होंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। फाइबर एक ऐसा होगा पॉलीमर जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फाइबर में क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पॉलीएमाइड नायलन 66, पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल क्या होगा, नायलन 66 है। आपके नीट के एग्जाम में नायलन सब पूछ लिया गया था, नायलन क्या होगा, नायलन क्या होगा, एक पॉलीएमाइड था, उन्होंने नायलन 66 नहीं कहा था, पूछा था नायलन क्या होते हैं, नायलन एक पॉलीएमाइड होते हैं जो आपके CBSE के एग्जाम में पूछा गया है। तो नायलन क्या होगा, ये CBSE के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जब CBSE हो रहा था, अरे CBSE नहीं, उसी साल नीट स्टार्ट हुआ था 2013 में पूछा गया था, इसी साल नीट स्टार्ट हुआ था 2013 में, 2013 में नीट इसी साल से स्टार्ट हुआ था, तो यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था, नायलन क्या होते हैं, पॉलीएमाइड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, टेरिलीन। पॉलिस्टर क्या होते हैं, टेरिलीन। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, टेरिलीन। आरलॉन को दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक क्रायलॉन। देखिए NCERT में ये भी वर्ड लिखा है और NCERT में ACRYLON ये भी लिखा है, लेकिन ये भी NCERT में गिवन है इसलिए हमने नाम लिख दिया इसे। तो देखिए फाइबर, फाइबर का एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीएमाइड में नायलन 66, पॉलिस्टर में टेरिलीन और आरलॉन या एक्रोलॉन। आपसे फाइबर में कौन सा फोर्स पूछा जाएगा, स्ट्रांगेस्ट, आपको इसको विशेष हाईलाइट करके चलना है। फाइबर में क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट इंटर मालिकुलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, और फाइबर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एग्जाम्पल चलिए एक बार हम रिवाइड करवाते हैं, रिविजन करवाते हैं। पॉलीएमाइड में नायलन 66, पॉलिस्टर में टेरिलीन, फिर आरलॉन या एक्रोलॉन। अब चलिए अब हम आपको नेक्स्ट में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक पढ़ेंगे, फिर थर्मोसेटिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर चलिए नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, थर्मोप्लास्टिक। क्या हम पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक।
फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, लीनियर अथवा स्लाइटली ब्रांच होते हैं, एक मतलब ऐसे पूरा रेखीय होते हैं, ऐसे पूरा रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, ऐसे पूरा लीनियर ही होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। अगर इसमें ब्रांच होगा भी होगा, ऐसे स्लाइटली सिर्फ ब्रांच होते हैं, बस हल्का फुल्का ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके सीबीएसई में यहाँ से दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों सीबीएसई में पूछा गया था, काफ़ी पहले पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम भी बचे हैं, अभी नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए बताएंगे क्या क्या नया बनेगा। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, लीनियर अथवा स्लाइटली ब्रांच होते हैं, और थर्मोप्लास्टिक की खास बात यह होता है इसमें इंटरमीडिएट इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये क्या लिखा है, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमीडिएट मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होगा वो फाइबर में, क्योंकि इलास्टोमर में हमने यही पढ़ा था उसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और फाइबर में क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का, इसका मतलब क्या होगा। और ये कह रहा है थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट मतलब बीच का हो रहा है, इसका मतलब इलास्टोमर और फाइबर, मान लीजिए इलास्टोमर है, ये फाइबर है, इलास्टोमर में वीक है और फाइबर में स्ट्रांग है, और थर्मोप्लास्टिक में बीच का है, मतलब इलास्टोमर और फाइबर के बीच में जो फोर्स लगेगा किस में लगेगा, थर्मोप्लास्टिक में लगेगा। कहने का मतलब ये है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट मेंशन है कि इलास्टोमर और फाइबर के बीच में कौन सा ऐसा फाइबर आएगा जिसमें इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा, आपका आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक। इसलिए क्या लिखा है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या लिखा, अट्रैक्शन फोर्स। और खास बात ये होता है थर्मोप्लास्टिक की, एक खास बात होती है, जब इसको हम जैसे हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए थर्मोप्लास्टिक है, आप जैसे इसको हीट करेंगे तुरंत क्या होगा, मुलायम हो जाएगा, तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे आप रबड़ कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे मतलब आप हीट करते हैं तुरंत क्या होगा, ऐसे पूरा मतलब सॉफ्ट पूरा मुलायम हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक खास बात ये होता है, जैसे आप इसको हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे आप इसको छोड़ देंगे तुरंत मतलब क्या होगा, ठंड होगा, मतलब कूल होगा, हार्ड होगा। जैसे आप ध्यान से अपने घर में किए होंगे, जैसे आप पन्नी, जैसे पॉलीथीन होता है पन्नी, आप पन्नी को जैसे आप जलाते थे, तो जैसे आप उसको जलाएंगे तुरंत वो साफ होता चला जाएगा, और जैसे आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जैसे ठंड हुआ मतलब कूल हुआ, तुरंत एकदम देखिए पूरा कठोर पत्थर तरह हो जाता। बस ऐसे यही है, आप अपने दिमाग में ऐसे रखिए, मान लीजिए पन्नी को जैसे हम गर्म करेंगे तुरंत मुलायम हो जाएगा, कुछ देर के बाद जब जल जाएगा पूरा मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पूरा मतलब जो इतना पार्ट बचेगा कुछ देर के बाद देखेंगे वो पूरा हार्ड हो जाएगा, स्टोनी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसलिए मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, हीट करने पे सॉफ्ट होंगे और कूल करने पे हार्ड होंगे। और खास बात है इनको आसानी से इजिली रिसाइकिल किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, इजिली रिसाइकिल, आसानी से मतलब पुराना, जैसे हमारा इजिली रिसाइकिल मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सा हमारा सामान प्लास्टिक का था, हमने जस्ट कुर्सी चलिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में चेयर था, चेयर टूट गया, अब हम क्या करते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं, फिर कबाड़ी वाला जाएगा, फिर इसके बाद फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में गिलाया जाएगा, फिर एक नया कुर्सी, फिर एक नया चेयर बना दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब होगा कोई पुराना सामान था उसको हम मशीन में ले जाएंगे फैक्ट्री में, फिर उससे नया बना देंगे गला करके उसमें, इसका मतलब क्या होगा, इजीली रिसाइकिल होगा। और खास बात यह होता है इसमें थर्मोप्लास्टिक में, यहाँ पर जो पी वर्ड होगा, इसके लिए पी वर्ड बहुत खास बात, आप इसको ध्यान रख लें, क्योंकि यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक में जितने भी एग्जाम्पल हैं सब पी वर्ड से ही हैं, और कई बार दो बार सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एग्जाम में नीट के एग्जाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पी वर्ड है, जितने भी पी वर्ड की एग्जाम्पल मिलेंगे, समझो थर्मोप्लास्टिक हुआ है, जैसे यहाँ पर पीबीसी लिखा है, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिए पी वर्ड पहला है, फिर यहाँ पर देखिए पम्मा पॉली मिथिल मिथिल एक्राइलेट, देखिए यहाँ पर पी वर्ड भी पहले लिखा है, पम्मा पॉली मिथिल मिथिल एक्राइलेट, ये भी आपके सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है।
और इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्पल लिखे हैं हमने सभी एग्जाम्पल के अलग अलग वीडियो लेक्चर एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं। आपको स्ट्रक्चर यदि आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर के पम्मा में पॉली मिथिल मिथिल एक्राइलेट वहाँ पर आप हमारा वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। पीबीसी का हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया है, इसका 4th लेक्चर नंबर होगा, आप लेक्चर नंबर 4th पढ़िए, वहाँ पर हैच हमने 4 लगा रखा है। सीबीएसई के एग्जाम में आप आ चुके हैं। एक पॉलीथिन देखिए, पॉलीथिन हमने बताया था पन्नी की एग्जाम के लेके हमने बताया था आपके एग्जाम में। देखिए पॉलीथिन हो गया, फिर क्या होगा पॉली स्टारिन हो गया, और टेफलान आपके सीबीएसई के एग्जाम में आया है, बहुत पहले आया था। मॉडल उठा के सॉल्व करेंगे आप देखेंगे टेफलान एक बार पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। कहीं ना कहीं पॉलीमर की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेफलान के हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2nd डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। टेफलान में देख लीजिए कौन सा वीडियो लेक्चर नंबर होगा, हमने पूरा सीरीज में टोटल हमारे 24 वीडियो लेक्चर हैं पॉलीमर के। चलिए एक बार हम आपको एग्जाम्पल फिर से अगर रिकॉल करवाते हैं। पी शब्द के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब थर्मोप्लास्टिक होंगे, एक पीबीसी होगा, दूसरा क्या होगा पॉलीथिन, फिर क्या होगा पॉली स्टारिन होगा, फिर पम्मा पॉली मेथिल मेथिल एक्राइलेट, फिर टेफलान। टेफलान भी याद रखिए, टेफलान थोड़ा हटके हैं यहाँ पर, ए वर्ड ए भी देख लीजिए, टी शब्द है पी टी, बस पी टी याद रखिए, पी 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 और पी और टी, बस इतना पी पावर 4 टी, यही देखिए पी पावर 4 टी, यही फार्मूला हो जाएगा आपका पी पावर 4 और टी, यही याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग, जो काफ़ी ज़्यादा वो भी एग्जाम्पल होगा आपके सीबीएसई या नीट के एग्जाम के लिए। अब हम डिस्कस क्या करेंगे थर्मोसेटिंग, चलिए यहाँ पर हम नंबर 4 डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में लास्ट हमारा क्या हुआ थर्मोसेटिंग, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो सेटिंग वर्ड है यहाँ पर यस इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग हमें दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने थर्मोप्लास्टिक में आपको वहाँ पर पी पावर 4 टी एग्जाम्पल आपको लिए ट्रिक बताया था, पी पावर 4 टी याद कर लीजिए, थर्मोप्लास्टिक आपके एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल का सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। और थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में एक एग्जाम्पल कई बार हमने देखा एग्जाम में, कई बार रिपीट में, वो भी एग्जाम्पल क्या था बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या था बैकेलाइट, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम्पल यही एक एग्जाम्पल रिपीट हुए। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं थर्मोसेटिंग क्या होगा। थर्मोसेटिंग क्या होता है क्रॉस लिंग पॉलीमर होते हैं। थर्मोसेटिंग कैसे पॉलीमर होते हैं क्रॉस लिंग पॉलीमर होते हैं। थर्मोसेटिंग की खास बात ये होता है जैसे इनको हीट करेंगे ये तो मतलब फिर हीट करने के बाद कभी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, जैसे मतलब हीट कर दीजिए और हीट करने के बाद सॉफ्ट नहीं होंगे। जैसे हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप कुकर का जो हैंडल होता है, कुकर का जो हैंडल होता है सबके घर में कुकर होगा, कुकर में जो खाना पकाते हैं कुकर में जो हैंडल होता है प्लास्टिक के जो लगे होते हैं, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों, क्योंकि मतलब आप उसको ले जाके न कबाड़ वाले ने लेते हैं वैसे उठा के फेंक ही उठता है, क्योंकि मतलब क्या होगा डज नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि उसको हीट करिए कोई सॉफ्ट वॉफ्ट नहीं होगा, और नेवर रिसाइकिल, कभी वो रिसाइकिल भी नहीं होता है, वो ऐसा एक ऐसा बेकार का प्लास्टिक होता है तो कभी रिसाइकिल कबाड़ वाले उसको खरीदेंगे भी नहीं, ना तो फैक्ट्री हो जाएगा रिसाइकिल होने के लिए, तो मतलब कुल मिलाकर के नेवर रिसाइकिल, वो कूड़ादान में ही जाएगा, क्या होगा नेवर रिसाइकिलिंग। आप अपने दिमाग में वही एग्जाम्पल रखेंगे तभी आपको लर्न कर सकते हैं। पहला मतलब क्या होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, डज नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, नेवर रिसाइकिल। अब इसका एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल बैकेलाइट। बैकेलाइट जो एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग के आते हैं कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और बार भी रिपीट हुए हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में, लेकिन सीबीएसई हो या आईआईटी दोनों मिलाकर 3 से 4 बार एग्जाम्पल आ चुके हैं। बैकेलाइट एक ही पेट एग्जाम्पल होगा थर्मोसेटिंग का बैकेलाइट, आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करिए बैकेलाइट, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या सभी का अलग अलग वीडियो लेक्चर हमारे बने हैं, बैकेलाइट आप जाके
प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, सभी का अलग अलग हमने वीडियो लेक्चर डिस्कस कर दिया। टोटल हमारे पॉलीमर के 24 वीडियो लेक्चर हुए हैं। बैकेलाइट का आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, बैकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर मेलामाइन, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्या होगा, एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक बैकेलाइट और एक यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिन। आपके दो एग्जाम्पल जरूर रटे होने चाहिए, एक तो बैकेलाइट, दूसरा यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिन। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, फुर कहेंगे, मतलब यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिन। देखिए, यू फॉर यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिन। और एक एग्जाम में आपके आया था, कई एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, मेलमोवेयर थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल क्या था, मेलमोवेयर। आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मेलमोवेयर, ये जो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्लासिफिकेशन आप पॉलीमर के। एक बार फिर से हम बताते हैं, इलास्टोमर फाइबर थर्मो प्लास्टिक थर्मोसेटिंग, सभी के एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार आप एग्जाम्पल रटेंगे तभी आपको लर्न होगा, आज अदरवाइज लर्न करेंगे भूल जाएंगे। जितने हमने एग्जाम्पल बताए सभी एग्जाम्पल का आप स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, क्योंकि जितने 24 वीडियो लेक्चर में हमने एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, बैकेलाइट अलग, टेफ्लॉन अलग, पीवीसी अलग, मेलामाइन, बैकेलाइट, जितने भी एग्जाम्पल थे, नियोपरिन, आइसोप्रिन, सबटेरिलिन, डेक्रान, जितने भी पॉलीमर थे, हमने 24 लेक्चर में कंप्लीट एनसीईआरटी और जो नीट के सिलेबस में भी है कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, चाहे नीट हो चाहे आईक्यू, दोनों सिलेबस सेम है। तो मतलब 24 वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे या तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या तो एरोमेटिक केमिस्ट्री। चलो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के साथ, काफ़ी ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके नीट या आईटी या जिपमर के एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।